प्रथम तहलका न्यूज। हिसार में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष उदयवीर पुनिया ने कहा कि हरियाणा में छात्र संघ के चुनाव करवाए जाने चाहिए और ये सीधे चुनाव होने चाहिए। पुनिया ने कहा कि छात्र संघ चुनाव करवाने से आम घरों के बच्चे राजनीति में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी छात्र राजनीति को अच्छे से समझ सकेंगे। छात्र राजनीति की पीयूद है, वहाँ से छात्रों की राजनीति की शुरुआत होती है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, इस नाते मेरा नैतिक दायित्व भी बनता है कि मैं जो छात्र संघ के चुनाव जो पिछले कई दिनों से कई सालों से बल्कि कहें तो हो नहीं रहे हैं, वो छात्र संघ के चुनाव सरकार को अवश्य करवाने चाहिए। क्यों करवाने चाहिए? क्योंकि छात्र जो राजनीति है वो राजनीति की प्योद है, वहाँ से राजनीति शुरू होती है। और छात्र संघ के चुनाव भी इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन में गुंडागर्दी बढ़ती है। जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, जो टॉपर होता है, उस टॉपर वोटर को जब चुनाव आता है तो एक धड़ा उसको अपनी तरफ खींचता है, दूसरा धड़ा अपनी तरफ खींचता है। इस कारण से अपराध होता है उसमें, उस लड़के के लिए झगड़ा होता है। तो मेरी तो ये सोच है कि वे छात्र संघ के चुनाव हों, डायरेक्ट चुनाव हों, और इससे प्रदेश की राजनीति में स्वच्छता आएगी, आम घरों के बच्चे राजनीति में प्रवेश करेंगे और सही मुद्दों को लेके वो प्रदेश के नौजवानों की, किसानों की, सारे जो समाज है, जो सोसाइटी है हमारी, उसका अच्छी तरह से वो लोग उस पर अपना व्यूज़ रख पाएंगे और उनके जो आंदोलन होंगे वो भी बड़े ही, मैं कह दूँ, अनुशासनात्मक होंगे। क्योंकि छात्र नेता ये जानते हैं कि भाई अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, इसी मुद्दे पे हम बहुत से जो पूर्व छात्र नेता रहे, वर्ष 2003 में हमने एक संगठन बनाया था, हरियाणा बेरोज़गार युवा संगठन, जिसके अध्यक्ष थे स्वर्गीय राजेंद्र शर्मा जी और मैं इसका संयोजक था। उस समय एक विचार बना था कि भाई समाज में बेरोज़गारी बढ़ रही है और इस पे लेके हम छात्र नेताओं को कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए और इस पे आंदोलन करना चाहिए हमें। अच्छा, ये बताएं कि जो वर्तमान को देखते हुए आगे आप किस संगठन के तहत आगे काम करोगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, इस समय सबसे बड़ी हो गई जी सारी हाँ जी ठीक है। बेरोजगार युवा संगठन युवा शक्ति बदलाव की ओर संगठन से जुड़े उदयवीर पुनिया ने कहा कि समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है। पुनिया ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लिए अलग से हाई कोर्ट बनना चाहिए, जिससे हरियाणा के अधिवक्ताओं को भी सुविधा होगी। चंडीगढ़ को लेकर राजनेताओं ने हमेशा राजनीति की है, चंडीगढ़ का मसला हल हो सकता है, लेकिन राजनेता जनता को बरगलाने का काम करते हैं। बात है, मैं बार का मेंबर होने के नाते इस मुद्दे पे एक बात कहना चाहता हूँ। ये बहुत पहले से मुद्दा है, कांग्रेस का शासन था तब भी इस पे बातें हुई हैं और हमारे जो माननीय न्यायालय हैं उसमें जो हमारे एडवोकेट साथी हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बार के जो प्रधान हैं उनसे भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि वे एक अलग हाईकोर्ट, हरियाणा प्रदेश के लिए एक अलग हाईकोर्ट अवश्य होना चाहिए। क्योंकि अगर अलग हाईकोर्ट हमारा होगा, उससे अलग, उसमें माननीय जजेस साहिबान भी उसमें आएंगे और हमारे को इसमें सुविधा होगी। और वो हाईकोर्ट ऐसी जगह पे स्थापित हो जहाँ पे सारे के सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको सुविधा हो वहाँ के वकीलों को जाने में। तो मेरी तो, हम तो शुरू से ये मांग करते रहे हैं। हमारे जो पहले भी बेरोज़गार संगठन के बैनर पे लड़ाई लड़ी थी, उसमें भी ये कहा था कि भाई अलग हाईकोर्ट अवश्य होना चाहिए। और जहाँ तक बात चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़
एक ऐसा मुद्दा है जो राजनेताओं ने इस पर राजनीति की है केवल। अगर राजनेताओं की नीयत साफ हो तो ये कोई समस्या नहीं है, चंडीगढ़ का मसला भी हल हो सकता है, लेकिन इस पे राजनेता केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनका अलग चंडीगढ़ से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ़ जनता को बरगलाते हैं और इस मुद्दे को पे सिर्फ अपने और अपने परिवार की, अपनी पार्टी की राजनीति करते हैं। इससे ज़्यादा अभी तक राजनेताओं का 37-38 साल से तो हमने देखते हो गई इस मुद्दे को कि भाई नहीं, चंडीगढ़ हरियाणा के पक्ष में चंडीगढ़ की बात हो रही है, लेकिन अगर हमारे राजनेताओं की नीयत साफ होती तो इस समस्या का समाधान कभी का हो गया होता। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।